In today's class, we will study about the starter, how many types of starter, and the difference between star delta and auto transformer. So basically, in the AC systems, there are two types of starter. First, one is called full voltage method, other is called reduced voltage method, reduced voltage starting method. So in the the full voltage method में कौन सा आता है? Only DOL, direct online starter is उसमें क्या होता है? जैसे हम breaker को make करते हैं DOL में, तो उसमें full voltage apply होता है. बाकी जो starter है, star delta, auto transformer, soft starter, VAB, etc. ये सारे में क्या आता है? हम voltage reduce करके देते हैं मोटर को, तो हर एक में कुछ न कुछ वोल्टेज रिड्यूस होता है. दैट्स व्हाई दीज ऑल द स्टार्टर आर कॉल्ड रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड. तो अभी स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर में वी विल सी द डिफरेंस. तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? अभी स्टार्टिंग करंट के व्यू से इफ वी लुक, तो स्टार डेल्टा में क्या होता है? स्टार्टिंग करंट विल बी मोर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्टिंग करंट विल बी लेस. अभी व्हाई इट इज लेस इन द ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर रहता है इन एडिशन में, एडिशन स्टार डेल्टा में ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, ओनली थ्री मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, वेयर इसमें भी थ्री मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रहेगा प्लस एक ऑटो ट्रांसफार्मर. ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? मोटर के सीरीज में, मोटर के वाइंडिंग के सीरीज में दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड, कनेक्ट हो जाता है और इज एक्ट एज ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग. तो उससे क्या होता है? मोटर का रेसिस्टेंस, वहां पे सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाता है. सो वी कैन से ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्टिंग करंट विल बी लेस, वेयर स्टार डेल्टा में स्टार्टिंग करंट विल बी मोर. अभी स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार डेल्टा में जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट विल बी लेस एंड ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मोर. अभी कॉस्ट वाइज, अभी इफ वी लुक एट द कॉस्ट वाइज, तो स्टार डेल्टा का में का कॉस्ट कम होगा क्योंकि इसमें सिर्फ तीन मेन पार्ट क्या रहता है? थ्री मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर. ऑटो ट्रांसफार्मर में का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. क्यों? ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी कॉस्टली. व्हाई? बिकॉज उसमें हम तीन मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के अलावे उसमें क्या एक ट्रांसफार्मर ऐड रहता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसलिए उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेंटेनेंस. अभी मेंटेनेंस के हिसाब से स्टार डेल्टा का जो मेंटेनेंस जो रहेगा मोर रहेगा, मोर मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें पिटिंग एक्शन ज्यादा होने की चांसेस है. ऑटो ट्रांसफार्मर में लेस मेंटेनेंस, क्योंकि पिटिंग एक्शन, इसका जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रहेगा उसमें पिटिंग एक्शन लेस होगा, इसलिए इसमें लेस मेंटेनेंस. कॉस्ट कंसेक्यूटिव स्टार्ट, अभी कंसेक्यूटिव स्टार्ट के हिसाब से यदि देखें तो स्टार डेल्टा में आप लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आप स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट, तीन बार चार बार वी कैन डू इट. ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लिमिटेड कंसेक्यूटिव स्टार्ट. अभी इसमें जनरली इंस्ट्रक्शन इज गिवन कि आफ्टर थ्री कंसेक्यूटिव स्टार्ट वी शुड स्टॉप और गिव रेस्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना चाहिए. ओके, क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर कंसेक्यूटिव स्टार्ट और कंटिन्यूस स्टार्ट करते रहोगे तो गर्म हो जाता है और एक्सेस हीटअप हो जाएगा और जलने की चांसेस हो सकता है. तो उससे बचने के लिए हम वी आर तीन कंसेक्यूटिव स्टार्ट के बाद आधा घंटा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए. ओके, नाउ देखते हैं ट्रांजिशन. ट्रांजिशन टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, वन इज लोड ट्रांजिशन,
एंड अदर इज ओपन ट्रांजिशन. तो स्टार डेल्टा में जो होता है दैट इज ओपन ट्रांजिशन, वेयर ऑटो ट्रांसफार्मर में क्लोज ट्रांजिशन, उसमें कंटिन्यूस पावर मिलेगा मोटर को. जब स्टार डेल्टा में चेंज ओवर होता है स्टार टू डेल्टा, फॉर ए मोमेंट यहाँ पे मोटर को पावर नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड ओपन ट्रांजिशन. ऑटो ट्रांसफार्मर इज क्लोज ट्रांजिशन. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टार डेल्टा एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. एनी डाउट्स? ओके जितेंद्र, एनी डाउट्स? नो. ओके थैंक यू.